सोलन में हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने में कोई कोताही न हो, इसको लेकर FSSAI द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाते वक्त सामग्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस ओर कोई खास ध्यान नहीं रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पर भी FSSAI द्वारा नजर रखी जाएगी ताकि इसका सेवन करने वालों पर कोई विपरीत असर ना पड़े। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने वाले उद्योगों को अब विभिन्न वर्गों में लाइसेंस लेना होगा और उन्हें निर्देशानुसार ही सामग्री उपयोग में लानी होगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि FSSAI द्वारा हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने में जुटी कंपनियों को नए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाते समय क्या और कितनी सामग्री मिलाई जा सकती है, इस बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि अब विभिन्न वर्गों में हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी लेने आवश्यक होंगे। अगर कोई भी उद्योग इन निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका विभाग प्रतिमा खाद्य पदार्थों के 20 सैंपल एकत्र करता है। अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन अब वे बाजारों से हेल्थ सप्लीमेंट और पौष्टिक औषधीय पदार्थ के सैंपल भी एकत्र करने जा रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल FSSAI ने इसके लिए जो शेड्यूल बना दिए थे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हेल्थ सप्लीमेंट में और न्यूट्रास्यूटिकल में ऐड कर सकते हैं, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो एज पर ICMR जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, तो पहले इस तरह से नहीं था रेगुलेशन। अब कैटेगराइज्ड प्रोडक्ट का अलग अलग और उसके लाइसेंस के लिए भी जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसका लाइसेंस स्टेट से मिलेगा, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो प्रोप्राइटरी फूड होगा और उसकी प्रोप्राइटरी फूड का लाइसेंस सेंटर से मिलेगा। तो जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल के टाइम टू टाइम उनके सैंपल ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। काफ़ी दिनों से कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि जो RDA वैल्यू है उससे ज़्यादा वो डाल रहे हैं स्ट्रेंथ अपने न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको चेक करने के लिए अब हमने एक अभियान स्टार्ट किया है। तो जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट बिक रहे हैं बाजार में तो उनको चेक करेंगे रूटीन में। महीने में हम 20 सैंपल भर रहे हैं, तो डिफरेंट आर्टिकल का सैंपल लेते हैं और जैसे ही हमको दिशा निर्देश मिलते हैं कि अब सर्विलांस करनी है पर्टिकुलर किसी आर्टिकल की, तो उस चीज़ के सैंपल लेते हैं और वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। कभी दूध के ले रहे हैं, कभी तेल के ले रहे हैं, इस तरह से जो भी प्रोडक्ट मार्केट में या तो कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है या जिस टाइम जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा खपत होती है उस दौरान उसके हम सर्विलेंस सैंपल लेते हैं, और जब सर्विलेंस सैंपल में कुछ निकलता है तो उसके फिर लीगल सैंपल लेके प्रोसिक्यूशन करते हैं।